नमस्ते प्रणाम, मैं आपका भाई सिंगर धर्मेंद्र कुमार। आप लोग देख रहे थे नैनागढ़ की लड़ाई उर्फ आल्हा और सुनमा का विवाह। तो आप लोगों ने अभी तक भाग पहला देखे हैं, तो लीजिए आपकी स्क्रीन पे हाजिर है भाग दूसरा। अब सोलो सिंगारे बच्चों अपन कर करें अपने अपने घर को चला जाए। ए सखी चला सिंगार के मसला लावा अपना अपना सिंगार कर ए सखी। हेलो ए अपलेटर मास्टर, तोहरो मेहरा रुकावतन के हमार भतार अपलेटर हो ना धीरे धीरे कमबावत नी जा। मैं सुलेंद्र पासवान जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया मंच पे आए। रची रची सिंगारवा हो कैली सखिया पीली के हो। अब देवी के क्या तुम लोग पागल हो गई हो? ए सखी क्या तुम्हें पता नहीं कि सिंदूर वही क्रिया करती है जो विवाहित क्रिया होती है। मैं तो अभी कुमारी हूँ तो सिंदूर क्यों करूँ? अच्छा क्या तुम्हारा कभी शादी ना होले? अरे पागल, शादी होता तो सिंदूर नहीं करती। सुना ए सखी सुना तुहरा से छोटा छोटा आज भलिला लगुरिया। अच्छा आज तुहरा से छोटा छोटा भैनी ला लगुरिया। सखी को लड़कोर फुरकोर हैं, ये बतलाई कि आपको क्यों नहीं शादी हुई है? सखी तुम लोग नीच जाति की हो, तुम लोग में छोटा छोटा में विवाह हो जाता है। अच्छा क्या? मैं बड़ी घराने की पुत्री हूँ, हमें उम्र पर शादी होता है।
कैसन बात है? हाँ हाँ ए सखी हम जान गए नी कि तोहरा काहे खातिर शादी ना हो रहा जे किसी क्या कोई कारण है? हाँ क्या कारण क्या है जो सुन लीजिए सखी मैं सुना देती हूँ। किया तोरा पिता सखिया आहे जात कटुआ है जवान संभार कर बात करो करो हेलो हेलो ए सखी हम जान गए नहीं कि तोहरा के काहे खातिर शादी ना होलने का तोरा पिता पंज के चोर हुवन की जात के काटल हुवन एक पत्तल भात के खातिर तोरा के शादी ना करा लेने है ए सखी सुनो ई असमन बतिया सखिया रे अच्छा लागे गोली के समना लागे गोली के समना हे असामन बतिया रे सखिया हो बई नरे बरदा हे असामन बतिया सखिया हो बई नहे बरदा हे असामन बतिया बात बोलती हूँ जो बिल्कुल गोली की समान बोलती हूँ ए सखी लेकिन सुनो सुनो अब तू कहाँ सुने बस सखी कहाँ सुने बस बोले लायक रह ला ये बतलाव की कद्दू ऐसे ढेरा के ला अभी तक शादी भी हमने नहीं सखी ये समान बतिया सखी यारे जाके कहाँ बे मैया से अरे जा जा ए सखी जा जाके कहबे मैया से अरे जा हे मैया से जाके कहबे मेरे समझ अच्छा अरे मैया से जाके कहबे मेरे समझ
ये सब बात जाकर अपने माँ से जरूर कहूंगी। जा ए सखी, जा जा ए रे सखी, जा ए सखी। हम उनका के निम्ने बात समझेनी तो उनका के दुख लगे, दुख लगे। अब सोना सखी जाके कहिए माई से, माई उनकर कहिए बाबू से, और बाबू जी कोई किला में ना कोई किला में शादी शादी करा दी है। चलो जाओ ये सखी उनके बाल चलो। बेटी सुना सुना माँ सुन लो सुन लो। सते अच्छे हारा वागे दिया आज का है मुख वागे बेटी कैले तू बेटी सुना माँ मैं नित दिन तुम्हारे देखती थी तो चंचल चेहरा हंसते रहती थी, आज तुम्हारे मुख मलिन करने की क्या कारण है? सुनिए माँ। हाँ सता खिलाता गईली अच्छा माता सखी के संग हवा सतवा थे आज। हाँ सता आही खेलाता माता जी गईली सखी के संघवामी अच्छा आज सखिया बोला के अता नमर को जी हम क्या आज सखिया बोला के ता नमर के हम आज यहां से तक खेलाता गईली।
माँ बेटी सोना हंसते खेलते सखी सहेली के संग देवी पूजन करने के लिए गई, लेकिन देवी दरबार में हमें सखी सहेलियाँ ताना मारी है माँ। क्या ताना मारी है? हाँ माँ सुनो किया चीज के ताना के बेटी मार को तो हर सखिया में जरूर बताऊंगी आगे किया चीज के ताना मारे बेटी मार को तो हर सखिया में से करा के हालिया दे धीरा दे दागे बेटी सुना माँ ये बताओ कि तुम्हारी सखी सहेली कौन ऐसा चीज का ताना मारा है? अब सक मुझे सुनाओ। सुनिए माँ जो अभी तक हमें शादी विवाह नहीं करवाए माँ, इसी बात को लेकर सखी सहेली देवी दरबार में ताना मारी है माँ। ऐसी बात? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेटी बेटी तुम्हारे कहना निक है, बाकी एक काम सुन लो, ध्यान लगा के सुनो। एक काम करो, तू अपने महल के पास धीरज के धारण करो करो। मैं ये सब बातों की राज बंगले पर मैं नहीं जाती हूँ, ये सब बातों तुम्हारे पिताजी से कहूंगी। ठीक है माँ।
Thank you.